जहां हबीबे दो जहां रब का ओ मजहर कितना अच्छा है। हबीबे दो जहां रब का ओ मजहर कितना अच्छा है। हबीबे दो जहां रब का ओ मजहर कितना अच्छा है। अरे हबीबे दो, हबीबे दो जहां जो आया सबसे आखिर में पैगंबर कितना अच्छा है। आखिर में पैगंबर कितना अच्छा है। माशाल्लाह आपने मतला में मतला साफ कर दिया। मैं यहीं से शुरू हो रहा हूँ, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। के जो आया सबसे आखिर में पैगंबर कितना अच्छा है। और मुझे उम्मीद है कि अब मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ इस पे कोई दीवाना खामोश नहीं रहेगा। मैं हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमाए। कि जो आया सबसे आखिर में पैगंबर कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। जो आया सबसे आखिर में पैगंबर कितना अच्छा है। जो पढ़ता है, जो पढ़ता है तो रूते पाक सरकारे दो आलम पे। जो पढ़ता है तो रूते पाक सरकारे दो आलम पे। अरे जो पढ़ता है, जो पढ़ता है, जो पढ़ता है वहाबी दे ओ पलटी से ओ कंकर कितना अच्छा। नारे तकबीर, बाबा से बड़े बड़े नारे रिसाला, अजमत मुस्तफा, मकामत मुस्तफा, इख्तियारत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसाला। कितना अच्छा है वहाँ पे देवर्दी से वो कंकर कितना अच्छा है। अरे जो पढ़ता है, जो पढ़ता है वहाँ भी दे ओ पलटी से ओ कंकर कितना अच्छा है। वहाँ भी दे ओ पलटी से ओ कंकर कितना अच्छा है। और उलमा इकराम मेंबर नूर पे जलवा बार हैं, इन बुजुर्गों के हवाले से एक अच्छा शेर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, सुने फरमाए। कि जहाँ पे जाके बैठी
ऊटनी महबूबे दावर की के जहाँ पे जा जहाँ पे जा के बैठी ऊटनी महबूबे दावर की जहाँ पे जा जहाँ पे जा जहाँ पे जा अबू अय्यूब अंसारी का वो घर कितना अच्छा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रते पैगंबर सलाम, नारे तकबीर। अबू अय्यूब अंसारी का वो घर कितना अच्छा है। अबू अय्यूब अंसारी का वो घर कितना अच्छा है। के ये उम्मत पांव रख कर जिससे गुजरेगी कयामत में। अब जिसे गुजरना हो वही जोर से सुभान अल्लाह के। एक चांस और दे रहा हूँ, एक चांस और दे रहा हूँ, पूरा मजमा दे रहा हूँ, पूरा मजमा, पूरा मजमा जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। के ये उम्मत पांव रख कर जिससे गुजरेगी कयामत में। ये उम्मत का, ये उम्मत का, अरे ये उम्मत का, ये उम्मत का रख कर जिससे गुजरेगी कयामत में। बताओ हजरत जिब्रील का पर कितना अच्छा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजान रसूल पाक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ हजरत जिब्रील का पर कितना अच्छा है। बताओ हजरत जिब्रील का पर कितना अच्छा है। संजर साहब, अभी तो ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ीसा धामनगर शरीफ पहुंच गया। माशाल्लाह, आप जो नमाज रहे थे बस इसी स्टाइल में लोग वहाँ के नमाजते हैं। और ककरहट्टी का तो मैं बल्कि ये कह लीजिए कि ककरहट्टी नहीं बल्कि सेकंड बरेली शरीफ है। अभी अख्तर बहार अल्लाह, अभी अख्तर परवाज शुरू नहीं हुआ है। अभी तो आप हजरात को ठीक ठाक कर रहा है, फील्डिंग ठीक ठाक कर रहा है। और वाकई जब फील्डिंग ठीक ठाक हो जाए तो चौवा और छक्का लगाने में बहुत मजा आता है। लेकिन आज अख्तर परवाज अभी भी चौवा नहीं लगाएगा, छक्का नहीं लगाएगा, आप साथ देंगे तो अट्ठा लगाने की कोशिश करेगा। बशर्ते के तैयार हो जाए। मैं एक शेर तमाम नौजवान दोस्तों के नाम करता हूँ, पूरा मजमा जरा मुस्कुरा के जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मुझे उम्मीद है कि कोई जवान खामोश नहीं रहेगा। तमाम नौजवान दोस्तों के नाम नकीबे जलसा के हवाले से बिल्कुल जदीद टेक्निक के सहारे ये शेर पहुँचाने की जसारत कर रहा है अख्तर परवाज। सुने के नबी के इश्क में हर दम गुटुरगो करता रहता है। अरे इधर वाले जब बोल दिए तो आप हजरात भी बोल दीजिए। नबी के इश्क में हर दम गुटुरगो करता रहता है, गुटुरगो करता रहता है। अरे नबी के इश्क, नबी के इश्क, नबी के इश्क में हर दम कुटुर को करता रहता है। खुशा किस्मत मेरे मन का कबूतर कितना अच्छा। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना असरफ बिस्माही साहब किबरा, मुकर्रे बेमिसाल हजरत जुनैद जमाली साहब किबरा, नारे तकबीर, डॉक्टर अख्तार परवाज साहब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाए और सट सट के बैठ जाए, जल्दी से बैठ जाए, माहौल गर्मा चुका है। माशाल्लाह,
माशाअल्लाह माहौल बहुत अच्छा है। जरा मुस्कुरा के जी लगा के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और जोर से और जोर से और जोर से जोर से जोर से जोर से मैं अरे उस शेर पे तो चारों तरफ से नारा लगना चाहिए था। मैं पहुंचाने जा रहा हूं सुने ऑपरेटर साहब थोड़ा सा साउंड इस माइक्रोफोन में दे दीजिए इसमें थोड़ा सा साउंड आपका साउंड अच्छा काम कर रहा है पहुंचा दूं सुनेंगे तो जोर से कह दें सुभान अल्लाह। देखिए मेंबर नूर पे उलमाए इकराम जलवाबार हैं हजरत अल्लामा मौलाना असलम साहब तबला और हजरत अल्लामा मौलाना जुनैद आलम जमाली साहब तबला सुभान अल्लाह मेंबर नूर पे तशरीफ ला चुके हैं। इन्हें ये शेर मैं आप हजरात की खिदमत में फिर से पढ़ रहा हूँ फिर पहुंचा रहा हूँ दोबारा पढ़ रहा हूँ तेरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। कि जो आया सबसे आखिर में पैगंबर कितना अच्छा है जो आया सबसे आखिर में पैगंबर कितना अच्छा है नबी के इश्क में हर दम गुटुरगो करता रहता है नबी के इश्क में हर दम गुटुरगो करता रहता है रे नबी के इश्क नबी के इश्क में हर दम कुटुर को करता रहता है खुशा किस्मत मेरे मन का कबूतर कितना अच्छा है किस्मत मेरे मन का कबूतर कितना अच्छा है खुशा किस्मत मेरे मन का कबूतर कितना अच्छा है लगे हाथ एक तहनियत का शेर में पहुंचाना चाहता हूँ माफ फरमाए जी जी बिरादर मोहतरम हजरत संजर कलकत्वी और हजरत जमजम फतेहपुरी साहब माशाल्लाह मैं इन्हीं बुजुर्गों के हवाले से और खुसूसियत के साथ हजरत अल्लामा मौलाना जुनैद आलम जमाली साहब अब्दुल्ला के हवाले से मैं ये शेर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ समाज फरमाए कि जो आया सबसे आखिर में पैगंबर कितना अच्छा है अब मैं यही से शुरू हो रहा हूँ कि बरेली की फजाओं में और जोर से और जोर से और जोर से और जोर से बरेली की फजाओं में चमकता है जो सूरज सा बरेली की फजाओं में चमकता है जो सूरज सा अरे बरेली की सूरज सा तमामी अहले सुन्नत का वो अख्तर कितना अच्छा नारे तकबीर नारे रिसाला हुजूर ताजुश्शरिया हुजूर बदरुद्दरीका हुजूर अजहरी मिया नारे तकबीर नारे रिसाला अख्तर कितना अच्छा है तमामे अहले सुन्नत का ओ अख्तर कितना अच्छा है और बहुत ही तेजी के साथ मक्ता आप हजरात की खिदमत में पहुंचा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कम टाइम में काम ज्यादा करके गुजर जाऊं पूजा पूरा मजमा मोहब्बत से जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह के तमामे अहले सुन्नत का ओ अख्तर कितना अच्छा है जिसे खंदक में परवाज अपने पेट के ऊपर आदि का मजमा है तफसील में जाने की जरूरत नहीं है समाज फरमाए और मैं इकराम दुआओं से नमाज रहे हैं हाजिर कर रहा हूँ शिवली भाई देखिए कि जिसे खंदक में ए परवाज जिसे खंदक में ए परवाज अपने पेट के ऊपर अरे जिसे खंदक
जिसे खंडक जिसे खंडक जिसे खंडक जिसे खंडक में परवाज अपने पे टिके ऊपर मेरे सरकार ने बांधा वो पत्थर कितना अच्छा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नारे नारे रिसालत जश्न शहीद आजम डॉक्टर अख्तर परवाज साहब तिगला उलमाए सुन्ना सरकार ने बांधा वो पत्थर कितना अच्छा है मेरे सरकार ने बांधा वो पत्थर कितना अच्छा है। अब बिल्कुल हुसैनी रंग में रंग जाइए और ये चार मिसरे समाज फरमाइए पूरा मजमा जरा हुसैन मुश्तबा के नाम पे हाथों को भुजाओं में बुलंद